ladies and gentlemen, welcome back to channel. This is your host Rakshan Ajit and you are watching IR Vlogs. And मुझे तो आप जानते ही हैं अपने चैनल पे. तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं सलमान बेकर्स में. तो इसकी वजह ये थी कि हम यहाँ पर पिशावर में जो फेमस बेकरीज हैं उनको कवर कर रहे हैं. उसमें आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे. तो चलिए पहले चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है. तो हम जो नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बताएंगे कि पेशावर के जो बेस्ट बेकर्स हैं, स्वीट्स हैं, उनका हम लोग आप लोगों को बताएंगे. तो जिस तरह सलमान बेकर्स हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी तो इससे स्वीट्स दी होंगी. इनके पास जो वेराइटी है वो एक्सट्रीम लेवल पर बहुत सी वेराइटी इनके पास अवेलेबल है. तो इनके जो हमारे पास सुपरवाइज़र हैं वो भी मौजूद हैं. तो उनके साथ भी हम फिरेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी इस टाइम अवेलेबल है. इस टाइम भी जो है वो भी तकरीबन ख़त्म होने की तरफ है और फिर भी इनके पास अभी भी इतनी बहुत वैरायटीज़ मौजूद हैं. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? जी इस वक्त हम सलमान बेकर्स में खड़े हैं. तो आप भी यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ये आइटम लेने आए होंगे. तो कैसा पाया आपने सलमान बेकर्स? सलमान बेकर एक चीज़ें इसकी साफ़ सुथरी होती हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं और मैं डेली यहाँ से बच्चों के लिए डबल रोटी लेने के लिए आता हूँ. लेकिन ये है कि इसका मयार भी अच्छा है और चीज़ भी अच्छी है और माहौल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी चीज़ बनाते हैं लोग. इस वजह से लोग यहीं पर आते हैं सलमान बेकर से चीज़ें लेकर आते हैं. और वैरायटी के बारे में आप क्या कहेंगे? वैरायटी के पास वैरायटी जो है काफ़ी अच्छी है. मतलब पहले मैं जाता था जान से स्वीट्स लेकर आता था और उसके मुकाबले में अब मुझे ये जगह नज़दीक भी पड़ती है और इनके पास जान से ज़्यादा वैरायटी है, जान बेकर से ज़्यादा वैरायटी है इनके पास. उनकी वैरायटी टेस्टी भी है और अच्छी भी है. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें. बहुत शुक्रिया सर, बहुत. तो आप मेरे सामने ये काउंटर देख रहे होंगे, इस काउंटर में तो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट चाट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ कुछ पास्ता मैक्रोनी टाइप के चीज़ें थी जो अभी फ़िलहाल तो ख़त्म हो गई है क्योंकि इस वक्त टाइम हुआ है 9 o'clock और बहुत लेट है. तो चलिए आगे और भी देखते हैं कि क्या है. इस ये जो ख़त्म हो गया इससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर लोग कितना इस बेकरी को पसंद करते और यहाँ से चीज़ें लेने आते हैं. तो अगला स्टॉल है जो है स्टॉल ही कह दें काउंटर, वो केक्स का है हमारे पास. और आप ही एक्सप्लेन कर दें केक्स को. इसके बारे में हमारे पास ये केक्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं. अभी तो ख़त्म हो चुकी हैं. अभी तो फ़िलहाल बहुत सारी आइटम्स जो है हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं. कुछ केक्स वैरायटी में हमारे पास पड़े हैं. ठीक है, इसके आगे जो है हमारा ये जो काउंटर है ये पेस्ट्री का काउंटर है. इसमें भी मुख्तलिफ कलर की मुख्तलिफ वैरायटी की पेस्ट्री हमारे पास मौजूद है. आप इंशाल्लाह आएँ, कोशिश करें
बहुत सारी आइटम्स और भी आपको खाने में मिलेंगी। इसके अलावा ये बटर पेस्ट्री है, ब्राउनीज है, इसके अलावा नीचे ड्राई केक्स लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो अच्छा। ये आगे वाला हमारा काउंटर है, ये फास्ट फूड का काउंटर है। इस काउंटर में हमारे पास मुकम्मल फास्ट फूड तैयार होता है, शामिल होते हैं ड्रमस्टिक वगैरह, हर चीज़ें, रोस्ट वगैरह, हर चीज़ होती है हमारे पास। फिलहाल जो अभी ख़त्म हो चुका है। अच्छा, पहले तो इनको इंट्रोड्यूस करा दे, ये यहाँ के सुपरवाइज़र हैं। आपका नाम? नासिर अली। नासिर अली है, तो ये बाकी हमें अभी डिटेल बताएंगे। फास्ट फूड की आइटम जो होती है मुकम्मल, जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़े होते हैं, इसके अलावा चिकन केक्स होते हैं, अभी भी कुछ पड़े हैं, बाकी ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो है हमारे पास वैराइटीज हैं, फ्रेंच हॉट वगैरह, ये जो चीज़ें, ये खजूर स्वीट्स है हमारे पास। इसके अंदर खजूर होते हैं क्या? खजूर होता है इसके अंदर, खजूर स्वीट्स है। ये वाली जो चीज़ ऊपर पड़ी है, ये बकलावा स्वीट्स है। ये लेमन क्रॉस है, फ्रेंच हॉट वगैरह, बाकर खानी है, ये फ्रेंच हॉट है। अच्छा, फ्रेंच हॉट है, ये छोटे फ्रेंच हॉट हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ वैराइटीज में हमारे पास बिस्किट्स पड़े हुए हैं, स्टार्स हैं, चेरी केक्स पड़ा हुआ है, स्वीट्स है। और इसके अलावा ये आगे फिर केक्स हैं, सादा केक्स हैं, फ्रूट केक्स हैं, छोटे बड़े दोनों वैराइटीज़ में आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये मिठाई का काउंटर है, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ हलवा जात होते हैं, रसगुल्ले, बर्फ़ी वगैरह, सादा जलेबी, मोतीचूर लड्डू, दाल लड्डू वगैरह। अच्छा, आइटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। इनकी प्राइस के हवाले से आप कुछ बता दें? प्राइस के हवाले से मुख्तलिफ जो रसगुल्ला और ये बर्फ़ी वगैरह जो पतीसा है, इनकी प्राइस मुख्तलिफ प्राइस होती है हर चीज़। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी हमारे पास है, ये रसगुल्ला, जामुन वगैरह, और इसके अलावा ये आगे जो अच्छा अब अगर फ़र्ज करें इस वाले की क्या प्राइस है जी, इसकी प्राइस? जान भाई रश, इनको प्राइस के बारे में आगाह करें, सारी चीज़ों के बारे में, और इनके नाम भी इनको डिटेल से बताएं। अच्छा, जो इसमें आप देखोगे आपको पसंद आएगा, जायका तो सही हो गया। चलो प्राइस का बता दें, इसकी प्राइस क्या है? 400। ये सारे काउंटर में जितना भी है मिक्स? अच्छा, 400 रुपये पर केजी। अच्छा, के हिसाब से मुकम्मल। अच्छा, मुख्तलिफ हर चीज़ की अपनी प्राइस होती है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ की मुख्तलिफ प्राइस, हर चीज़ की अपनी अपनी प्राइस है। जो जब मिक्स लेने तो उसका 400 पर केजी। हाँ, 400 पर केजी। तो ये हालात हैं यहाँ की बेकरी के, और जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाने वाली बेकरी है यहाँ पर पेशावर में। और इसके टेस्ट से तो हम वाकिफ़ हैं, हम लोग जिस तरह ईद वगैरह का त्यौहार हो गए या हो गए तो घर में ले जाते हैं। पेशावर में जो तमाम बेकरीज़ हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ आप लोगों को सलमान बेकर्स के पास मिलेंगी, चाहे उनकी किसी भी ब्रांच में आ जाए। इस वक्त हम लोग यहाँ पर दलजाक रोड ब्रांच में, और यहाँ पर भी मैक्सिमम वैराइटी बहुत कुछ अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी लेट आवर्स में हम आए हैं, टाइम बिल्कुल एंड ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। बाकी बात तो सही है, यहाँ पर जो डेकोरेशन है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ये वेल डेकोरेटेड बेकरी है यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ की जो सफाई वगैरह है वो भी खूब अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इनके सुपरवाइज़र कह रहे हैं बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल देखने में लग भी रहा है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के चिप्स वगैरह हो गई, चनाचोर हो गई हैं, वो भी अवेलेबल हैं। इस साइड पे आ जाएं तो केचप वगैरह हो गई, ब्रेड वगैरह हो गया, और इनकी जो अपनी एक ख़ास पैकिंग है उसके बारे में हम आपसे शेयर करते हैं। जो ख़ास लोगों के लिए होते हैं उनको भी ख़ास पैकिंग में ये जो मिठाई वगैरह वो पैक करके देते हैं, तो पैकिंग आपको पता चल, गिफ्ट वगैरह आप जब लेके जाएँ तो। अच्छा, ये आपके पास मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ पैकिंग के डिब्बे हैं, ठीक है, तो इस डिब्बे में क्या डाल के देंगे आप मुझे? नहीं, उनको कस्टमर को इस डिब्बे में हम मिठाई डाल के देंगे। मिठाई डाल के देते हैं? गिफ्ट बना के देंगे। अच्छा, गिफ्ट पैक है ये? जैसा तीनों जो बॉक्स हैं ये मिठाई के डब्बे हैं। मिठाई के डब्बे हैं जी। अच्छा, गिफ्ट पैक्स हैं यानी? गिफ्ट पैक्स हैं। अच्छा, ये तो मुझे हलवे का कोई डब्बा लग रहा है कि नहीं? गिफ्ट पैक है जो इन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं वो आप इसमें फिर मिठाई बंद करके देते हैं। और इसमें क्या बंद करते हैं? इसमें
ये जो बॉक्स है इसमें हम 100 पैक करके देते हैं गिफ्ट के तौर पे। अच्छा, जो कस्टमर अपने घर लेके जाना चाहे या किसी को गिफ्ट करना चाहे। अच्छा, तो ये यहाँ से उठा के भी आप लेके जा सकते हैं ताकि केक ख़राब ना हो। ये सवाल ये खाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है ये हमारी ये सीरीज़ पसंद आएगी, इससे नेक्स्ट वीडियोज़ भी इसके पार्ट्स आते जाएंगे जिसमें हम लोग आपको पेशावर की मज़ीद बेकर्स के बारे में बताएंगे और उनके जो स्वीट्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे, उनका टेस्ट कैसा है और प्राइस के लिहाज से। और रही बात यहाँ की सलमान बेकर्स की, तो ये तो हमें टेस्ट और उसके प्राइस के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट लगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को ताकि हमारी इसी सीरीज़ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तब आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।